आज कितने का बिक्री हुआ? 30 रुपया। देखिए हाथे में भी ले ले हैं, बोले कि आधा पेमेंट देंगे आधा नहीं देंगे, ऐसा बोले हैं। लेकिन अब क्या है करेंगे, स्कूल लोग भी तो हम ही लोग पढ़ रहे हैं, घर चल रहा है, क्या कटौती करेंगे। रेंट तो देना ही है ना, रेंट वाला नहीं ना मानेगा। पिछले साल की अपेक्षा इस साल ज़्यादा नुकसान हुआ। जब बंदे हैं तो नुकसान के कोई और अंत नहीं है, खाने तक लाले पड़ गया आदमी। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूँ गरिमा भारती। आज से बिहार में अनलॉक की शुरुआत हो गई है, लॉकडाउन को ख़त्म कर दिया गया है और कुछ पाबंदियों के साथ सभी चीज़ों को लगभग खोल ही दिया गया है। इस वक्त हम चूरी मार्केट में मौजूद हैं और आप मेरे पीछे बहुत रंग बिरंगी चीज़ें देख पा रहे होंगे, कलरफुल चूड़ियाँ आपको दिखाई दे रही होंगी। आज हम इस मार्केट का जायज़ा लेने के लिए पहुँचे हैं कि बीते 1.5-2 महीने से जो मार्केट बंद है उसके बाद यहाँ के व्यापारियों पर क्या प्रभाव पड़ा है, कितना नफ़ा कितना नुकसान हुआ है, इन सभी चीज़ों को जानेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए ये चूड़ियाँ कितनी खूबसूरत लग रही है। यहाँ पर मुझे ऐसे भी कांच की चूड़ियाँ बहुत पसंद है, ये कैसे है? 25 का बेटी। 25 का क्या? एक डब्बा। और मतलब हर साइज में आता है? हाँ, हर साइज में मिलेगा। मेरे साइज का कौन सा होगा? मिल जाएगा। कलर ये चॉइस देखिए आपका साइज का, ये इस तरह भाई। अच्छा, ये वाला? ये सब आपका। ओके, ये ब्लू वाली निकालिए ना, पहना के देख सकते हैं। ये नहीं आएगा मुझे, आएगा तो हार तो नया आप डाल दीजिए ना। नहीं आएगा। 2-6 या 2.25 ऐसा कुछ आएगा। और इससे बोले तो कैसा डब्बा चूड़ी? मैं चूड़ियाँ पहन रही हूँ। 25 का डिब्बा। 25 का टूट गया ना, कोई नहीं, दो ही काफी है। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है चूड़ियाँ। और हमारा मकसद यही है कि हम आप तक एक मैसेज भी पहुंचाना चाह रहे थे कि इन दिनों जितना ई कॉमर्स की गतिविधियां बढ़ी है, ई कॉमर्स को जितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, लोकल इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो हम एक मुहिम शुरू करना चाहते हैं, आप इन दिनों जब लॉकडाउन खुल गया है तो कोशिश करें कि लोकल दुकान में जाकर शॉपिंग करें, इस तरह की चीज़ें खरीदें ताकि जो लोकल दुकानदार है उनको भी फ़ायदा पहुँचे कोविड में जो नुकसान हुआ है उसको लेकर। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि पूरे मार्केट का क्या हाल है। चलिए आगे भी आपको हम लेके चलते हैं चूरी मार्केट के भीतर। बहुत दिनों के बाद इतना ज़्यादा रश, इतना भीड़ भाड़ दिखाई दे रहा है। लेकिन एक और चीज़ हम आपसे कहना चाहेंगे कि मार्केट आएँ तो मास्क का उपयोग ज़रूर करें और यहाँ से निकलने के बाद सबसे पहले हाथों को सैनिटाइज करें, खुद को साफ सुथरा करें, फिर ही अपने चेहरे को छुएं या फिर और सारी चीज़ें करें। आगे चलते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि आज हम आपको बताएँगे, दिखाएँगे कि लोकल मार्केट्स का क्या हाल है, दुकानदार कितने परेशान हैं, उनके धंधे पर कितना असर पड़ा है। कितने दिनों के बाद आपने दुकान? एक मंथ। तो कितना नुकसान हुआ इस बार? बहुत नुकसान हुआ, पूरा लगन हम लोग का चला गया। एक मंथ लगन था, जो लगन में जो भी कमाई होता था सब खत्म हो गया। मतलब साल भर में, मतलब लगन के समय में सबसे ज्यादा कमाई होता है? हाँ, किसी भी दुकानदार का सबसे ज्यादा लगन में ही प्रॉफिट होता है, मतलब चूड़ी मार्केट में। हाँ, एक और दुकान में आए हम चूड़ी मार्केट के अंदर, यहाँ पर भी श्रृंगार वगैरह की चीज़ें दिखाई दे रही है। चूड़ी मार्केट मेनली इसीलिए फेमस है। और यहाँ पर जो दुकानदार हैं उनसे भी बात करेंगे। आपका नाम क्या है? रेखा कुमारी। कितने दिनों के बाद दुकान खुली? एक से डेढ़ से दो महीना के बाद। तो इस बीच में कितना लॉस था कि पर डे का हम लोग को 40-50 सेल था, अब 5-6 जैसे कि एकदम 40-50 हज़ार। हाँ, सेल था हम लोग का, अच्छा सेल जा रहा था उधर लॉकडाउन के पहले, लेकिन अब सेल 10,000 तक भी बिकना बहुत मुश्किल हो गया। उसी में स्टाफ खर्च हो गया, दुकान का किराया हो गया, बहुत मुश्किल से चल रहा है दुकान। खुलने के बाद दिक्कत तो है ही, इन्हें की नहीं है दिक्कत, बहुत तरह का दिक्कत है। अभी तो रिसेंटली 1-2 दिन से दुकान? हाँ, बस नहीं है, एक हफ्ता से खुल रहा है लेकिन एक दिन बीच करके खुल रहा है। हाँ,
हाँ तो मतलब कितना वो हो गया कस्टमर्स का आना कम? समझिए कि हंड्रेड में 25 25 आ रहे हैं। तब तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है। बहुत ज़्यादा, हाँ बहुत ज़्यादा। कितना लोग वेस्ट पैसा खर्च करना नहीं चाह रहा कि नहीं जो है अभी खाने पीने पर खर्च कर रहा है, इस सब पर अभी थोड़ा कम दिमाग दे रहा है। अब देखिए खुला है, एक हफ्ता बाद क्या होता है। और ऐसे और दिन में तो शादी वगैरह के सीज़न में ज़्यादा होता होगा? हाँ उस घड़ी सीज़न में अच्छा बिक्री हो जाता था, लेकिन इस बार सीज़न में भी उतना अच्छा बिक्री नहीं हुआ। सीज़न में तो दुकान शायद बंद ही होगा? नहीं था, एक दो दिन वही खुला था, एक दिन गायब करके खुला था, उधर 10 दिन खुला था, फिर बंद हो गया। तो मतलब परेशानी इस बार बहुत ज़्यादा? हाँ बहुत ज़्यादा। पहले लॉकडाउन में तो आदमी उतना टेंशन नहीं था कि कुछ पैसा कमा के रख लेता था, चलो इन्वेस्ट कर रहा था। अब 2 साल से आदमी बैठा हुआ है, 2 साल से लॉकडाउन, 1 साल 2 साल हो गया, दूसरा साल जा रहा है। मतलब आप दुकान की मालकिन जी, ऐसा हुआ है कि मतलब स्टाफ्स में कटौती करनी पड़ी है, किसी को हटाना पड़ा? नहीं हटाना तो नहीं पड़ा, लेकिन हाँ ये है कि 1 महीना बंद हुआ है तो हम लोग बोले कि आधा पेमेंट देंगे आधा नहीं देंगे, ऐसा बोले हैं। लेकिन अब क्या है करेंगे, इस स्कूल लोग भी तो हम ही लोग पढ़ रहे हैं, घर चल रहा है, क्या कटौती करेंगे। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम आशीष हुआ। आपके दुकान में सिर्फ बैग्स वगैरह? यस मैडम। मतलब किस रेंज से किस रेंज? 100 रुपये से लेके 500 तक। और मतलब इन दिनों क्या हाल है बैग्स वगैरह की, क्योंकि ये सब तो लग रहा है वेडिंग आइटम है, अब लगन तो निकल गया, मतलब अब इन सब आइटम्स का क्या होगा? वही अब धीरे धीरे बिकेंगे, जिसको जरूरत होगी वही आएगा। पहले के मुकाबले इस बार क्या कितना बाजार में बहुत फर्क पड़ गया? बहुत फर्क पड़ गया। लगभग कितने दिनों के बाद अभी आप दुकान खोल रहे हैं? 1.5 महीने बाद। 1.5 महीने बाद, तो मतलब 1.5 महीने क्या हाल रहा, कैसा हाल रहा मार्केट था ही नहीं, एकदम लोग प्रॉब्लम में तो आ ही गए थे, और दुकान में भी बहुत डेड स्टॉक हो गया था हम लोग का, क्योंकि हम लोग का तो सारा लगन का आइटम है, सब बिकता है हैंड टू हैंड, और सिर्फ दिक्कत हम लोग को है ही अभी, अब इसको सही करने में टाइम तो लग ही जाएगा। और अभी तो ट्रेंड भी चल गया है, लोग ऑनलाइन खरीद ले रहे हैं, उसके वजह से दिक्कत नहीं हो रहा? ऑनलाइन से हम लोग को इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तो कुछ तो प्रॉब्लम आती ही है। यहाँ पे लेडीज़ बोलती हैं आके कि ऑनलाइन में इतना में मिल रहा है, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, हम इनसे ले लेंगे। ये मार्केट खुलने पर होता है कि आदमी यहाँ के लेते ही है, क्योंकि चूड़ी मार्केट तो फेमस है, सबको पता है, इसी वजह से। लेकिन 1.5 महीने के भीतर में बहुत बहुत नुकसान हुआ हम लोग का, तो बहुत डेट स्टॉक हो गया, दिक्कत बहुत हो गया, रेंट बढ़ गया सब कुछ का। अब अच्छा मतलब दुकान बंद थी लेकिन रेंट तो देना ही है ना, रेंट वाला नहीं ना मानेगा, तो मतलब मिला जुला कर दिक्कत हुआ, बहुत दिक्कत है मैडम। तो बहुत दिनों के बाद दुकानें खुली हुई नज़र आ रही है, और ख़ास करके अगर इन सारी दुकानों की बात करें, श्रृंगार का दुकान, आपको तरह तरह की चीज़ें नज़र आ रही होंगी, लंबे समय के बाद ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। लेकिन ये भी जानना ज़रूरी है कि जितने दिनों तक दुकान बंद रहा, दुकानदारों का क्या हाल है, उनका दर्द क्या है, बहुत दिनों के बाद दुकान खुल रहा है, तो अभी कैसा है मार्केट का हाल, लोग उस तरह से आ रहे हैं? नहीं पहले की तरह तो नहीं आ पा रहे कस्टमर अभी, पहले जो भी था, अभी तो स्थिति बहुत ही ख़राब है उस हिसाब से, क्योंकि सबका ही हालत ख़राब है, रिटेलर वाले का भी हालत ख़राब है और होलसेलर वाले का भी हालत ख़राब है, इसी वजह से कस्टमर का फ्लो उतना अच्छा नहीं है। कितने दिनों तक दुकान बंद रहा? 1 महीना 10 दिन। नुकसान तो काफ़ी हुआ होगा? काफ़ी, दुकान बंद है तो नुकसान ही नुकसान है। मतलब ये दुकान आपकी अपनी है या फिर आपने रेंट पे लेकर रखी है? रेंट का तो आपको चुकाना, रेंट तो लेना ही पड़ता है, दुकान है, गोडाउन है, सब चीज़ का रेंट लगता है, घर का है तो उसका भी रेंट लगता है। और दुकान वगैरह बंद होने की वजह से और चीज़ों पर कितना असर पड़ा है, जैसे आप पहले सामान लेते होंगे किसी और रेट में, अभी उसमें भी सभी सामान का रेट बढ़ चुका है पहले से, पहले कुछ रेट था और अभी कम से कम 15-20% का डिफरेंसेस आया है, प्लस हो गया रेट पहले से। बोलते हैं शादी विवाह के सीज़न में ज़्यादा बिक्री होती है श्रृंगार वगैरह की दुकानों में, तो अभी तो सीज़न चला गया, सीज़न चला गया तो हमारा तो शॉप भी बंद था इस समय, सीज़न के टाइम पे शॉप ऑफ हो गया था सारे। मतलब इस साल ज़्यादा नुकसान? पिछले साल की अपेक्षा इस साल ज़्यादा नुकसान हुआ। एक और दुकान आपको लेकर चलते हैं, यहाँ पर भी तरह तरह की चीज़ें मिल रही है, कलीरा वगैरह मिल रहा है, यहाँ पर आप देखिए रंग बिरंगी चूड़ियाँ मिल रही है, हार वगैरह बहुत अच्छा मिल रहा है। अंदर चलते हैं, जानते हैं कि इस दुकान का क्या हाल रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरे चंदन स्टोर है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा कुमुद देवी नाम है।
तो कितने दिनों के बाद दुकान आज हो गया? 3 दिन मात्र खुला है, यानी मतलब एक दिन बीच कर करके कुछ नहीं बजा रहे, खाने पर नहीं आ पाते, बॉल बत्ती कहाँ से कुछ करेंगे। खोलना चाहिए डेली, तब ना होगा कुछ हो। कितना नुकसान हुआ है? नुकसान के कोई वारंट है बाबू? कोई वारंट नहीं है। जब बंदे हैं तो नुकसान के कोई वारंट नहीं है, खाने तक लाला पड़ गया आदमी। पहले क्या होता था, एक दिन में कितना तक का बेच लेती थी? कितना बिकेगा, कोई एक सेट बिक गया, वही बिक गया, वही बिक जाता था 2000-3000, अब क्या होगा? आज कितने का बिक्री है? 30 रुपया। देखिए हाथे में भी ले लें कुछ। अभी अभी मतलब जो 2000 30 रुपया। हाँ मतलब कि 3 दिन दुकान खोले हैं, 30 रुपये आज बिका है, कुछ कल परसों बिका था, 200-400 ही बस। मतलब कि जो 2000 का बिक्री होता था वो 200-300 बस। हाँ तो 3 दिन खोले हैं तो 300-400 रुपये में क्या होगा, कुछ होगा? ये सब्जी उतना महंगा, दाल उतना महंगा। सब शादी विवाह का तो मौसम बीत गया है, उसके वजह से तो और नुकसान हो रहा है। सब चीज़ नुकसान है, किराया नहीं है छोड़ेगा, ये नहीं है छोड़ेगा, सब चीज़। अच्छा दुकान तो किराए पे है ना? हाँ किराया पर है, घर भी किराया पर है, सब चीज़ किराया पर है। तो जितना दिन दुकान बंद रहा वो तो किराया आपको देना? सब देना पड़ेगा, सब चीज़, कोई नहीं छोड़ता है। ठीक, आपके दुकान में क्या क्या? हमारे यहाँ एयरिंग बिकती है, एयरिंग ग्लासेट मंगलसूत्र का काम हमारा मैडम। सिटी गोल्ड है क्या? हाँ सिटी गोल्ड है, आर्टिफिशियल आइटम है मेरे पास। मतलब इसकी वारंटी आती है? नहीं वारंटी नहीं आती। तो इतने दिन से जो दुकान वगैरह बंद रहा है क्या नुकसान हुआ? थोड़ा सा इफेक्ट तो पड़ा है, मार्केट में तो पूरा कुछ है नहीं, बैठा बैठी है, जो भी सीजन था वो ऑफ हो गया। अब कौन से सीजन में सबसे ज़्यादा? वो था फेस्टिवल लगन था हम लोगों का, हाँ वेडिंग के लिए था, लगन का था, शादी भी आ गया, जो भी आइटम दुल्हन सेट वगैरह एयरिंग बिकता तो चल नहीं रहा। अब हम लोगों का पूरा काम मंदा हो गया। तो आपने देखा और सुना, अभी तो लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है, लेकिन आपको याद होगा कि चूड़ी मार्केट का नज़ारा ये नहीं हुआ करता था कोरोना से पहले। आपको खड़े होने तक की जगह नहीं मिला करती थी, लेकिन अभी ऐसा हाल हो गया है। दुकानदार कह रहे हैं कि जहां 50,000 की बिक्री पर डे हुआ करती थी वो अब 4,000-5,000 पर आकर सीमित हो गई है। तो आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोरोना ने लोकल इकोनॉमी की रीढ़ किस तरह से तोड़ दी है। हम भी आपसे अपील करते हैं कि जब अब लॉकडाउन खुल गया है, आप बेवजह तो घरों से बाहर ना निकले, लेकिन जब ज़रूरत का कोई सामान लेने जाएं तो कोशिश करें कि लोकल दुकानों में आप ज़्यादातर शॉपिंग करें, ताकि ये जो लोकल वेंडर्स हैं इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सके, क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत नुकसान हुआ है। हम आपसे अपील करते हैं कि आप इस मुहिम को और आगे लेकर जाएं, अपने आसपास जो दुकानदार हैं उनकी मदद करें इकोनॉमी को स्टेबल करने में। लाइव सिटीज़ के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।